हे गाइस, मैं मयंक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ डकी भाई के एक नए वीडियो पे जिसका टाइटल है आईफोन 12 ऑनेस्ट रिव्यू। मुझे पता है आईफोन का कोई रिव्यू विव्यू नहीं है, भैया मजे ले रहे होंगे आईफोन के जो आईफोन यूज़ करते हैं उनके, यानी आईफोन के मज़े ले लिए जा रहे होंगे, आईफोन यूज़र्स के मज़े लिए जा रहे होंगे, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। तो अंत तक बने रहिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। है आवेगा क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर साइलेंट गर्ल। नाम नहीं मियां जी, ब्रांड है। चिल्ला के बोल रही कि नाम है साइलेंट गर्ल। बताओगे कोरोना जैसी सिचुएशन में भी आईफोन 12 जैसी अजीम इनोवेशन देखने का मौका मिला है? देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि एप्पल वालों ने आईफोन 11 के साथ 9 महीने पहले काम डाला था और 9 महीने बाद सेम प्राइस पे डिफरेंट नेम आईफोन 12 के नाम से आ गए। वैसे मुझे कोई मसला नहीं है आईफोन से, मैंने ना तो पिछला बाय किया है और ना ही ये वाला बाय किया है यार। उन लोगों का बच्ची पाल रखी है। अब हरे को मैसेज तो आया ही होगा, बेबी मुझे आईफोन 12 256 GB व्हाइट कलर विद गोल्ड प्लेटेड में चाहिए। बंदा उससे पूछे हरकत है तेरी साइलेंट गर्ल वाली, वो तो पिंक वाली मांगती है ना जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, 3.5 लाख का मैंने मोबाइल लिया नया कैंटर सलमान मोबाइल से। जल्दी से जाए देखे, लाइक शेयर कमेंट करे और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करे। जल्दी जाए और फोन देखे कैसा है। नाम साइलेंट गर्ल है लेकिन चीखे जनरेटर से भी exactly उसकी। नेक्स्ट वीडियो में क्लास लेंगे। अब बच्चियों से आईफोन मांगने की रीजन पूछना तो कहती है कि उसमें ना फोटोज बड़ी अच्छी आती है। तो काकी मैं तुझे बता दूं कि जैसा मुंह होगा ना फोटो वैसी ही आएगी। अगर तुम्हारा मुंह एलेक्स भट्टी वाला होगा तो वो तुम्हें हानिया आमिर नहीं बनाएगा भाई। सही पॉइंट तो उनकी होगी जो टिकटॉक पे आईफोन 12 की रिलीज होने से पहले ही 4-4 कैमरे वाला बैक स्टिकर लगा के आईफोन 12 को टाइटल में डाल के लोगों का फुद्दू बनाते आए हैं। ऐसा भी होता है तो पता नहीं था। अलग अलग डिजाइन और अलग अलग साइज में मिल जाते हैं। इधर साल गुजर गया लेकिन कोई फर्क ही नहीं। उनका क्या होगा जो आईफोन को बार बार कान से लगाकर पब्लिक में अपने, लेकिन उसी सेम डिजाइन को जब एप्पल ने अपने लॉन्च इवेंट के अंदर एडवर्टाइज किया तो क्या बकवास करता है ये टिम कुक, जरा सुनना। लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है यार। लेकिन फिर भी आवाम ने दो दो रातें मरवा के फोन जो मर्जी कर लो। आईफोन 11 और 12 के डिजाइन में जहाँ फर्क है ना वो है इसकी साइड। ये ऑल न्यू डिजाइन देखना जरा, चार्जर नहीं है इसमें। 2012 में जो आईफोन 5 आया था उस पे बड़ी स्क्रीन लगा के कहते हैं ऑल न्यू डिजाइन, लेकिन फिर भी एप्पल फैन बॉयज की पेंटें गीली टट्टे शॉर्ट। अब अगर तुम लोग नोटिस करो ना तो आईफोन 12 का ना डब्बा काफी पतला सा है। बंदा पूछे वो कैसे, तो पता लगा आईफोन 12 में चार्जर ही नहीं है। मारो मुझे मारो। लेकिन जब एप्पल वालों से पूछा कि चार्जर किस खुशी में हटा दिया, मैं बताता हूँ किस खुशी में हटाया। देखो एप्पल वालों का क्या है ना, उसको लगता है जो भी उसे कस्टमर है सब फुद्दू है, सब बेवकूफ है। वो करते क्या है, हर आईफोन के साथ एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर देते हैं। प्रॉब्लम क्रिएट करो और उसका सोल्यूशन बना के भेज दो और हम जैसे लोग उसे खरीद भी लेते हैं। बस यही बात है, प्रॉब्लम क्रिएट करना और उसको बेचना। साले अरबपति बन गए ऐसे। तो आगे से अपनी पीएचडी फिलोसफी या झाड़ते के कार्बन इनिमिशन काम करने के लिए चार्जर और हेडफोन दोनों निकाल दिए। चोरों से कोरोना संभाला नहीं जा रहा, इधर एनवायरमेंटल फ्रेंडली के नाम पे चार्जर हेडफोन निकाल के लोगों का फुटी बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी एप्पल फैन बॉयज की पेंटें गिली टट्टे शॉर्ट। ओए आईफोन 12 चेक कर यार, इतना पतला डब्बा, ना चार्जर ना हेडफोन, कसम से लेवल कर दिया। चल आजा साथ आजा मेरे, चलते हैं शॉप से पकड़ लेते हैं। यार तू चल, मैं मरवा के आया, अभी पैसे नहीं है। अबे छोड़ यार, नदीम नानी वाले से भीख मांग ली हेल्प 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 करके। अबे नदीम नानी वाले से आईफोन मांगूंगा तो मरवानी तो फिर भी पड़ेगी ना, तू चल मैं आया, टेंशन ना ले। यार डब्बा गायब कर देते अगर कुछ एनवायरमेंटल फ्रेंडली करना ही था, शॉपरों में दे देते आईफोन, कागज बचा लेते, लेकिन चार्जर निकालने की क्या जरूरत थी भाई। अब जिन लोगों ने आईफोन 12 लेना है उन्होंने अलहदा चार्जर तो लाजमी लेना है ना। अब डाटा केबल गांड में डाल के तो नहीं चार्ज होना फोन, कौन सी कार्बन इमिशन बचा ली भाई तुम लोगों ने, सही दिमाग खराब हुआ पर यार सबका। उसके बाद आईफोन 12 के जिस फीचर पर एप्पल ने बुक का जोर लगा के मशहूरी किया है वो है 5G। टुडे वी आर ब्रिंगिंग 5G टू आईफोन।
साले इधर आने में टाइम है अभी। सैमसंग और बाकी कई एंड्रॉइड कंपनीज 2-3 साल पहले 5G निकाल के उसे थक भी चुकी होगी, और आईफोन वालों को 2020 में रिलीज करके इसको इनोवेशन का नाम देना है। और मजे की बात यह कि आधी दुनिया में 5G कवरेज वैसे ही नहीं है। अपने मुल्क में जहां 4G 15-20 लान तक खाने के बाद चलता है, उधर तो 5G के आने का दूर दूर तक कोई सीन ही नहीं है। लेकिन फिर भी एप्पल फैन बॉयज की बुंडे फट गई। ये लोग फिर भी अपने गुर्दे टट्टे बेच के बच्ची को आईफोन 12 लेके देंगे। शाम को बच्ची का उनको मैसेज आएगा, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। नहीं करते, आईफोन देंगे तो नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसलिए खुश हैं कि iPhone 11 आना बंद हो जाएगा, और iPhone 11 आना बंद हो जाएगा तो iPhone X के रेट वैसे ही कम हो जाएंगे। iPhone X के रेट कम हो जाएंगे तो iPhone 8 बाजार में चीप मिलेगा, और iPhone 8 अगर चीप मिलेगा तो डेफिनेटली iPhone 7 लोग अफोर्ड कर सकेंगे। लोग iPhone 7 अफोर्ड कर सकेंगे तो iPhone 6 वाले iPhone 7 खरीद लेंगे अपना iPhone 6 बेच के। अब अगर iPhone 6 सारे ही बेचना शुरू कर देंगे तो iPhone 5 को कोई पूछेगा नहीं, iPhone 5 को कोई पूछेगा नहीं, तो फाइनली iPhone 4 वो खरीद सकेंगे। और 2016 में हेडफोन जैक रिमूव कर दिया, 2015 में फिंगरप्रिंट स्कैनर रिमूव कर दिया, 2018 में डोंगल रिमूव कर दिया, 2019 में 3D टच रिमूव कर दिया। अब इन्होंने चार्जर और हेडफोन निकाल दिए हैं, अगले साल इन्होंने डब्बे में से फोन ही निकाल देने हैं। और तुम्हें फोन लेने के लिए $1,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और फिर मजीद $1,000 देने पड़ेंगे उस फोन को चलाने के लिए, और फिर $500 देने पड़ेंगे कैमरा ऑन करने के लिए। क्या लगता है चूतिया? फिर एप्पल वाले बात करते हैं हमारे न्यू आईफोन 12 में सेरेमिक ग्लास लगा है जी। बंदा पूछे ग्लास चाहे सेरेमिक हो, सफायर हो या पतला हो मोटा हो, ग्लास ग्लास ही है ना, गिरने पर तो फिर भी टूटेगा ना। मुझे फोन पकड़ाओ, एक ही ड्रॉप में तोड़ दूंगा ग्लास तुम्हारा सेरेमिक शेरेमिक। पर ना 120 हर्ट्ज़ स्क्रीन जो आजकल 30-40 हज़ार के एंड्रॉइड फोन में भी मिल जाती है, और रीजन क्या देती है कि बैटरी लाइफ इफेक्ट होती है, तो पैन खुद 120 हर्ट्ज़ ऑफ करने का फीचर रख लो ना। ऊपर से एंड्रॉइड फोन कब का नॉच खत्म कर चुके हैं, फुल डिस्प्ले तक बना चुके हैं, इधर फ्रंट से भी सेम आईफोन एक्स वाला डिजाइन। और यार मैंने ना ट्वीट की है, एप्पल का जो मैकबुक है ना ओवर प्राइस्ड है, स्लो है, और ऐसी कोई ट्वीट मारी मैंने। उधर आगे जी एप्पल फैन बॉयज एप्पल को डिफेंड करने के मैकबुक जो है गेमिंग के लिए नहीं डेवलपिंग के लिए बने, तो पैंट मुझे बंदा ला के दो जो मैकबुक पे बैठ के डेवलपिंग कर रहे हैं। और केरा ऑपरेटिंग सिस्टम एंटीवायरस बना लिया भाई मैकबुक लेके। अब्बे से तुम लोग मैकबुक मांगते हो देख नहीं, उस पे भी लोगों ने 360 पिक्सल में बिपी आई है। वखरी डेवलपिंग पैन, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स, आईफोन 12 प्रो पैन युवा के साथ साथ इन्होंने आईफोन मिनी भी निकाला है, छोटा आईफोन भाई 2020 चल रहा है, बड़े फिल्डो थोड़ी है जो अलग अलग साइज में आ रहा है। अब तो इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिलता है कि आईफोन 11 और आईफोन 12 में फर्क सिर्फ यही है कि आईफोन 11 जो है चार्जर और हैंड फ्री के साथ आता है, और आईफोन 12 उसके बगैर। तब भी हंसी तो इस बात पे आती है कि 9 साल पुराने डिजाइन को एप्पल ऑल न्यू डिजाइन बोल रहे हैं, और 5G को 2020 की इनोवेशन बोल रहे हैं। एप्पल की नजरों में हर पुरानी चीज नई है, बच्ची हो तो एप्पल जैसी हो जिसको हर चीज नई लगे, उसको आईफोन 5S भी पकड़ा दो तो वो उसी में खुश रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, पहले आधा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करो। मैं स्टैट्स देख रहा हूं भाई, आधे लोग सब्सक्राइब करके वीडियो देखते हैं, आधे लोग उसके बगैर देखते हैं। जो उसके बगैर देखते हैं भाई, यहां मुफ्ता कोई नहीं चल रहा। सब्सक्राइब करना है, वीडियो देखो, लाइक करो, शुगर मेला काम का काम। और अब अगर सब्सक्राइब करोगे तो साथ में बेल आइकन भी दबा देना। और इस वीडियो के अंदर मुझे चाहिए जी 200,000 लाइक। कर दो यार, इतना तो मेरा 2,000 ही कर दो। वैसे भी अपनी टीम ने डिसाइड किया कि आज की वीडियो पर हर लाइक मारने वाले को iPhone 11 Pro 12, यार कुछ भी नया नहीं है इसमें, जाए जो भी हो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फीचर के साथ एक नया जो है अब वो रिलीज हो जाता है, लेकिन बस यही इसमें खासियत है कि उसमें जो फोटो की क्वालिटी है वो बेहतरीन आती है, उससे जो आप जो वीडियो रिकॉर्ड करते हो यार उसका जो स्मूथनेस होता है वो एकदम लैंड टॉप होता है, और वो आपकी प्राइवेसी का अच्छा खासा ख्याल रखता है। जैसे एंड्रॉयड में आप कुछ भी डाल लो आपकी प्राइवेसी लीक होगी ही होगी, आलतू फालतू ऐप्स आएंगे ही आएंगे, तो एप्पल में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ उसके अलावा जो बताओ, तो मैंने वीडियो के बीच में पॉज करके बोला था कि आईफोन वाले बस यही करते हैं, मान लो अगर इसमें अगर ये आईफोन 10 है तो 11 में ना मैं कुछ इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगा और उसके साथ में उसका सोल्यूशन भेजूंगा। साले इससे दबा के पैसे कमाते, इतना दबा के पैसे कमाते हैं कि अगला 10 फोन और लॉन्च करने के लिए ना, मतलब 10 सीरीज 11 से 20 तक उनके पास पैसे जमा हो जाते होंगे। तो यार आईफोन का यही है, प्रॉब्लम क्रिएट करो, उसका सोल्यूशन बेचो और दबा के पैसे कमाओ। और हम जैसे पागल लोग यार, अभी आईफोन पे पता है, पता है उसने आईफोन लिया है, तुम आईफोन एकदम
पता है बड़े पाप का बेटा होगा या साला, उसकी सैलरी होगी ना लाखों के पार होगी, पे आईफोन है पता है बक साले। लेकिन ये बात है, अगर आप पब्लिक प्लेस पे हो और आप आईफोन निकाल रहे हो ना, तो थोड़ी सी ना मतलब कि आस पास लगते थे अच्छा आईफोन है भाई, भाई भाई भाई, भाई आईफोन आईफोन, तो थोड़ा सा स्पेशल वाला फीलिंग ना, मतलब होता है ना कि एवरेज मतलब हो, तो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर उठ के आप दिखते हो वहाँ पे, तो एयरपोर्ट वगैरह पे ना मतलब थोड़ा सा मैं भी हूँ भाई, मतलब ठीक है स्टेटस के लिए है, बट साला मुझे यूज तक करने नहीं आता, मैं बता रहा हूँ आईफोन। अगर बात करें इस वीडियो की, तो यार डक्की भाई ने अच्छा खासा मजा ले लिया आईफोन का, और आईफोन यूजर्स अभी देख रहे होंगे तो यही सोच रहे होंगे बेटा तू अफोर्ड नहीं कर सकता ना, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, ठीक है। तो यार कुछ हद तक आपकी बात भी सही है, बट हाँ आईफोन यूजर्स जो होते हैं ना पढ़े लिखे अमीर होते हैं, हाँ लेकिन अपना कटवा लेते हैं लेते हैं। चल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मेरा रिएक्शन कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करना ना भूले, एम करते कम से कम 2000 लाइक्स की, सब्सक्राइब बकायदा करी दियो भाई, और अगली वीडियो जल्दी आएगी तो नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लेना, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो, आईफोन यूजर तो नहीं हो, आईफोन यूजर हो तो प्लीज डोंट डिसलाइक, बाय।